कैराना लोकसभा उपचुनाव का डंका बजते ही जिला प्रशासन ने भी चुनावी तैयारियों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। प्रत्याशियों के नामांकन के बीच मात्र चंद घंटों की दूरी है। नामांकन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एएसपी ने कलेक्ट्रेट परिसर में निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बीजेपी सांसद हुगम सिंह की मृत्यु के बाद दो महीने से खाली चल रही कैराना लोकसभा सीट पर आयोग द्वारा 28 मई को मतदान का दिन तय किया गया है, जिसमें 3 मई से 10 मई तक जनपद की कलेक्ट्रेट में नामांकन प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। नामांकन के दौरान कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने व प्रत्याशी समर्थकों की भीड़ नामांकन स्थल से दूरी रखने के लिए जनपद के पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान एएसपी श्लोक कुमार ने कलेक्ट्रेट में मौजूद सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की सख्त हिदायत दी और किसी भी हाल में उपचुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के निर्देश दिए। दिनांक 3 तारीख से यहाँ जो उपचुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, उसके नामांकन चालू हो रहे हैं। उसी संबंध में यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर का भ्रमण किया गया, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाएं देखी गई, जो भी निर्देश हैं वो संबंधित थानाध्यक्ष को दिए गए हैं और यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल से जो नामांकन चालू हो रहा है वो हम बिल्कुल शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से करवाएंगे। कितने बैरियर ये यहाँ पे पीएसी भी लगाई जाएगी और स्थानीय पुलिस जो है वो भी लगाई जाएगी। हमने 3 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड की है। पहली स्क्रीनिंग यहाँ से 500 मीटर दूर ही परिसर पे करवा दी जाएगी, वहाँ बैरिकेड्स लगे हुए हैं, गाड़ियों को वहाँ पे चेक किया जाएगा और जो मानक हैं जिसमें कि हर एक वो व्यक्ति जो अपना नामांकन करने आ रहा है उनके साथ कुल 4 व्यक्ति और आएंगे।